ये भानगढ़ का किला है जिसको मैं आपको अंदर से विजिट कराऊंगा। तो दोस्तों वहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो भानगढ़ का किला है, वहां पर जाकर मैं आपको उसको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये पहाड़ की जड़ में बना हुआ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है आप देख सकते हैं। तो ये भूतिया किला लगता भी है, आप दूर से अगर इसको देखोगे तो आपको भी यहाँ पर डर लगने लगेगा। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भानगढ़ फोर्ट आ गया है, उसका मेन गेट है, तो इसमें मैं एंट्री करने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा अंदर से जाकर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें एंट्री कर ली है और यहाँ पर इसकी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और यहाँ पर एंट्री करने के तुरंत बाद हमें मिलता है एक बड़ा सा यहाँ पर हॉल और ये कुछ इस तरह का सा कमरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो है भानगढ़ फोर्ट। ये देखिए दोस्तों अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पत्थरों से बना हुआ इसका जो रास्ता है सीढ़ियों से बना हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और इसको देखने पर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड पैलेस है, बहुत ही ज़्यादा भूतिया किला है। अगर यहाँ पर कोई आए नहीं, कोई विजिटर नहीं आए, कोई टूरिस्ट नहीं आए तो ये जो किला है यहाँ पर अकेला आने में बहुत डर लगता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर चढ़ता हुआ मैं आ रहा था तो यहाँ पर एक होल है, तो इसके अंदर क्या है पता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये होल दिखाई दे रहा है ये सुरंग है, अंदर पता नहीं कहाँ तक है, इसमें क्या है, हो सकता है इसमें कोई भूत वगैरह भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैं आपको जाकर दिखाऊंगा अंदर, यहाँ पर देखता हूँ क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड इसके अंदर बहुत सा अंधेरा है, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, अब बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बहुत अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, अंदर पूरा अंधेरा भरा हुआ है और इसमें स्मेल भी आ रही है। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत अंधेरा है और स्मेल की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पसीने आ गए हैं, पता नहीं ये कैसे सुरंग है, तो इससे बाहर निकल जाता हूँ। अब आपको दिखाते हैं सुरंग। तो दोस्तों अब ऊपर की तरफ चलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गेट आ गया है, इसके अंदर से हम एंट्री करेंगे। और इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं और ये राइट साइड है जो आप ये देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा गेट आता है हॉल को निकलने के बाद में। तो मेरे बैक साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं ये है वो भानगढ़ फोर्ट। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो चमगादड़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो किला है बहुत सुनसान रहता है इसलिए इसमें चमगादड़ों का बसेरा हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पसीने आ गए हैं, बहुत ऊपर मुझे चढ़ना पड़ा है, तो अब मैं आपको और ऊपर लेकर चलता हूँ। जो मेरे पीछे आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है, इसके अंदर जाकर देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अंदर जा रहा हूँ, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर और सीढ़ियाँ आती हैं, पता नहीं ये कहाँ पर जाती है, मैं इसके ऊपर नहीं जाने वाला क्योंकि हम डायरेक्ट जाएंगे जो मेन रास्ता है उससे हम ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर से आपको दिखाऊंगा इस किले को। तो दोस्तों ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर फिर एक गेट और आता है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी सीढ़ियाँ हैं, इनको मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं वो सीढ़ियाँ जिनसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एक गेट है और एक यहाँ पर दूसरा गेट है, यहाँ से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्मेल की प्रॉब्लम बहुत है। और यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं ये कमरे बने हुए हैं। और चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कमरे बने हुए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है।